हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चाणक्य एस अकेडमी पटना। अभ्युदय सीरीज में आज हम करंट अफेयर्स के सेक्शन में नेशनल न्यूज को देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें गवर्नमेंट की जो अपकमिंग गोल्स है, यानी कि 2024 2025 में जो भी उन्होंने टारगेट लिया है उसको मेजरली हम देखने की कोशिश करेंगे। अब जो अपकमिंग गोल्स होते हैं उसमें ये देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट एक अपना खुद का टारगेट सेट करती है कि हम इतने टाइम पीरियड में किन किन चीज़ों में सुधार ला सकते हैं और उसके थ्रू हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ तक इंक्रीज कर सकती है, सोशल डेवलपमेंट कितना हो सकता है। तो उन सारे एस्पेक्ट्स को देख करके ही गवर्नमेंट अपनी एक पार्टिकुलर सेक्शन में अपने पार्टिकुलर गोल्स को टारगेट करती है। अब हम फर्स्ट गोल को देखने की कोशिश करते हैं, जिसमें है एम टू एलिमिनेट कालाजार कम्प्लीटली, जो कि WHO के द्वारा इस टारगेट को सेट किया गया है 2030 तक, जो कि 2023 में इस टारगेट को सेट किया गया है। बट लेकिन ये भारत सरकार के द्वारा 2023 तक कालाजार रिडक्शन इनिशिएटिव भी लाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि 2023 तक हमें कालाजार को ख़त्म करनी है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो है टारगेट टू कंप्लीट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे टिल 2023, यानी कि दिल्ली से लेकर मुंबई के बीच में एक्सप्रेसवे बनाने का जो टारगेट था वो हमारा था 2023 तक बना दी जानी थी। नेक्स्ट हमारा टारगेट है टारगेट टू मेक फर्टिलाइजर सेक्टर सेल्फ सफिशियंट, टारगेट ऑफ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बोर्ड गॉज रूट टिल 2023। इट मीन्स कि उर्वरक क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को ब्रॉड गेज रूट के लिए 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य जो रखा गया था वो कब तक का था? 2023 तक का था। कनेक्टिंग ऑल द स्टेट कैपिटल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट विद द रेल नेटवर्क, पूर्व जो भी नॉर्थ ईस्ट की जो भी स्टेट्स हैं उनको क्या करना है कि उनकी कैपिटल को रेल नेटवर्क से जो जोड़ने का टारगेट था वो कब तक का रखा गया है? 2024 तक का रखा गया है। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है वो है टारगेट ऑफ जीरो डीजल यूज एंड यूज ऑफ रिन्यूएबल इनर्जी इन एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर में जो भी सिंचाई का काम हो जा होता है और उसमें पंपी सेट का जो यूज होता है उसको डीजल के द्वारा ही जनरली ऑपरेट किया जाता है, तो वहाँ पे उस चीज़ को डीजल की खपत को कम करके किसके थ्रू? रिन्यूएबल इनर्जी के द्वारा अब एग्रीकल्चर में यूज किया जाएगा। उसका टारगेट कब तक का है? 2024 तक का है। हाउसिंग फॉर ऑल, अर्लियर द टारगेट वॉज फिक्स्ड एट 2022, इसका टारगेट कब तक का है? 2024 तक के लिए है। सभी के लिए आवास का जो टारगेट है वो 2024 तक का रखा गया है। मेजरली इसमें क्या होता है कि जो भी लोग BPL सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनको इस टाइप की सुविधा दी जाएगी। एम टू लॉन्च डिजिटल रेडियो, इसका टारगेट है 2024 तक। जो डिजिटल रेडियो का जो प्रोग्राम है उसको हम लोग कब तक लॉन्च करने की कोशिश करेंगे? 2024 तक का है। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो है टैप वाटर या क्लीन वाटर सप्लाई इन एवरी हाउस टिल 2024। इट मीन्स कि जो भी टैप वाटर है या क्लीन वाटर है, वाटर की इनसफिशियंसी के कारण हर घर में इसकी सप्लाई को अश्योर किया जाएगा 2024 तक। गवर्नमेंट का ये मानना है कि हम 2024 तक हर घर में नल का जल या स्वच्छ जल की आपूर्ति को हम लोग पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज है हमारा टारगेट टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट डेथ बाय 50% टिल 2024। गवर्नमेंट का ये भी मानना है कि सड़क की दुर्घटना जो है वो 50% तक हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे। रोड एक्सीडेंट जो भी हो रही है उसमें जो डेथ हो रही है उसको 50% रिड्यूस करने का जो टारगेट है उसे 2024 तक का टारगेट रखा गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो है टारगेट टू मेक इंडियन इकोनॉमी अ $5 trillion इकोनॉमी टिल 2024 टू 2025।
इंडिया की जो इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो कितना रखा गया है, 2024 से लेकर 2025 तक। अब नेक्स्ट टारगेट देखते हैं, टारगेट टू मेक इंडियन इकोनॉमी एज अ 1 ट्रिलियन डॉलर डिजिटल इकोनॉमी टिल 2025। भारतीय अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है, 2022 तक का टारगेट रखा गया है। टारगेट टू ले ऑप्टिकल फाइबर इन ऑल विलेज टिल 2025, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है, 2025 तक का रखा गया है। मेकिंग इंडिया अ टीवी फ्री कंट्री टिल 2025, जो टीवी एक बीमारी है उससे अपने कंट्री को कब तक फ्री किया जा सकता है, तो उसका टारगेट है 2025 तक। टारगेट ऑफ 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल टिल 2030। भारत में जो है पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का जो लक्ष्य रखा गया है वो कब तक का है, 2030 तक का। टारगेट टू अचीव 100 एम्प्टी कोल गैसिफिकेशन टिल लास्ट ऑफ द 2030 का टारगेट रखा गया है। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो कब तक का है, 2030 तक का है। टारगेट टू अचीव 5 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टिल 2030। 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो कब तक का रखा गया है, 2030 तक का। टारगेट टू अचीव 280 गीगावाट ऑफ सोलर पावर टिल 2030। 2080 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है उससे क्या होगा, उसका जो टारगेट है वो 2030 तक का है। अब मान लो कि जो सोलर पावर का जो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी प्रोडक्टिविटी को या फिर रिन्यूअल एनर्जी को, इससे मेजरली क्या होगा कि क्लाइमेट चेंज जो हो रही है, जो भी हमारा CO2 का जो लेवल बढ़ रहा है, ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। इससे हमारा क्या होगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन होगा, साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी और साथ ही साथ सोशल अवेयरनेस भी इससे क्रिएट होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो है रिडक्शन ऑफ 1 बिलियन टन्स इन टोटल कार्बन एमिशन टिल 2030। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करने का टारगेट क्या रखा गया है, 2030। क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज इतनी तेजी से हो रही है उसको रिड्यूस करने के लिए कार्बन इमिशन को रिड्यूस करना पड़ेगा, जिससे हमारा इन्वायरमेंट और भी ज़्यादा प्योर हो पाएगा। तो इसका जो टारगेट है ये कब का है, 2030 का। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है, टारगेट टू मेक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन टोटल व्हीकल्स टिल 2030। यहाँ भी आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किए जा रहे हैं ताकि हम लोग क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सके, क्योंकि अभी क्या है पेट्रोल डीजल से चलने वाले व्हीकल्स सबसे ज़्यादा है, जिससे क्या हो रहा है कि जो हमारे इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है वो कहीं ना कहीं हमारे अर्थ के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आने से क्या होगा कि उन सारी डीजल एंड पेट्रोल वाले व्हीकल जो भी चल रहे हैं उनकी कंजप्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के साइड हम लोग बढ़ सकेंगे। नेक्स्ट हमारा न्यूज है कंप्लीट इरेडिक्शन ऑफ मलेरिया फ्रॉम इंडिया टिल 2030। मलेरिया की रोकथाम से रिलेटेड बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव भी लाई जा रही है जिसके द्वारा हम उसे कंट्रोल कर सके, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा जो है जो एक मेजर टारगेट ईयर फिक्स की गई है वो क्या है, 2030 तक कम्प्लीटली ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। टारगेट टू एलिमिनेट HIV एड्स टिल 2030। अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है उसे देखते हैं, टारगेट टू मेक इंडिया रेलवे नेट जीरो कार्बन एमिशन और ग्रीन रेलवे टिल 2030। भारतीय रेलवे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन या हरित रेलवे बनाने का जो लक्ष्य है वो कब तक का रखा गया है, वो भी 2030 तक का रखा गया है।
टारगेट टू रिड्यूस द यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बाय 80% टिल 2047। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी कहीं ना कहीं से इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, तो उसे भी 80% रिड्यूस करने का जो टारगेट रखा गया वो कब तक का रखा गया है, 2047 तक। गोल ऑफ मेकिंग इंडियन एनर्जी इंडिपेंडेंट या सेल्फ रिलायंट टिल 2047। एम्स टू अचीव सेल्फ रिलायंस इन शिप बिल्डिंग टिल 2047। और अब हम नेक्स्ट टारगेट देखते हुए जीरो कार्बन एमिशन टारगेट इन मुंबई सिटी टिल 2050। मतलब कि जो भी मुंबई सिटी में जो भी कार्बन इमिशन हो रही है उसको शून्य लेवल तक ले जाने का टारगेट कब तक का है, 2050 तक का है। नेट जीरो टारगेट बाय इंडिया वो कब तक का है, 2070 तक का लक्ष्य रखा गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज से हमारा नेशनल न्यूज स्टार्ट हो गया है जो कि आपके बीच आता रहेगा। क्रैश इस अभ्युदय सीरीज के क्रैश कोर्स में आप और भी सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस देख सकते हैं, लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स, एज वेल एज जो हमारा नेशनल एंड इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स अभी से आएंगे उसे आप देखें, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प देगी। सो थैंक यू।